नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। चार सीटों के उपचुनाव का प्रचार थमते ही बिहार की राजनीति में एक बार फिर से घमासान मच गया है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के बाद जब ये नेता लौट करके आ रहे थे विभिन्न क्षेत्रों से, तो मीडिया ने उनसे कई सवाल पूछे। इन सवालों के जवाब में सबसे पहले तेजस्वी यादव सामने आए, और तेजस्वी यादव ने जो खुलासे किए, जिसकी चर्चा हमने पहले ही आपको कर दिया है, उसके बाद से तो आप भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को अलग रखते हुए और नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें कही, हुआ तो हमने आप बताया, लेकिन उसके साथ साथ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों को लेकर के और आगे आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के और वर्तमान चुनाव में परिणाम को लेकर के जिस तरह से आश्वस्त नजर आए तेजस्वी यादव, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक्शन शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी की राजनीति ही बांटने और काटने वाली रही है। कांग्रेस के शासनकाल में उन्होंने जुड़ाया कि क्या क्या हुआ है, 10,000 से ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे की बात उन्होंने कही है, तो वहीं बिहार में 118 नरसंहार हुए हैं, इसकी भी चर्चा उन्होंने की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ और भी जो कुछ बातें हो रही है, बटोगे तो कटेगे जैसी बातें हो रही हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव और उनकी टीम को बेचैनी होने लगी है। ये बेचैनी इसलिए है कि 2025 के चुनाव में वो जीरो पर बोल्ड हो जाएंगे। इतना ही नहीं, नीरज कुमार के बाद इस पर कुंतल कृष्ण ने भी अपनी बात रखी है, और कुंतल कृष्ण ने साफ तरीके से कहा है कि क्या है 2025 के चुनाव से पहले की स्थिति, और इस स्थिति को देख करके सर्वे रिपोर्ट आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल में खलबली मची हुई है, और यही कारण है कि वो डूबती हुई जहाज़ है जिस पर कोई सवारी नहीं करना चाहता है, यही कारण है कि उनकी बेचैनी है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि नीरज कुमार ने क्या कहा और उनके पास कौन से ऐसे डाटा हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान और आने वाले चुनाव को लेकर के कितना आश्वस्त है, नीतीश कुमार को लेकर के कितना आश्वस्त है, तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कितना आश्वस्त है। खलबली मची हुई है, नीरज कुमार के बयान से इस बात को तस्दीक मिलती है या साफ होता है, सुनिए नीरज कुमार ने क्या कहा है। दरअसल कांग्रेस और राजद की राजनीति भी तो यही रही ना, बांटने और काटने की। कांग्रेस के शासनकाल में इस देश में 10,000 से अधिक दंगे हुए, नरसंहार हुए। राजद के शासनकाल में बिहार में 118 नरसंहार, कितने जातीय खूनी संघर्ष हुए। तो जब मोदी जी और योगी जी बात करते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटे हुए तो कटोगे, इनको परेशानी होती है। दरअसल इनकी पीड़ा है कि बांटने और काटने वाले ये लोग, इसमें घबराहट पैदा हो गई है इनके इस बयान से, मोदी जी के इस बयान से। ये अपने आप को परेशान, हताहत फील महसूस करते हैं कि देश अगर एक हो गया तो ऐसे चुटपुंजी राजनीतिज्ञों का क्या होगा। इसलिए लोग हताश हैं, परेशान हैं, लेकिन देश मोदी जी की बातों पर भरोसा करता है। देश अब एक साथ एकता के सूत्र में बंध कर चलने वाला है। अब इनके सिद्धांत पर फूट डाल हासिल करो की राजनीति देश में अब नहीं चलेगी। आपने नीरज कुमार का बयान सुन लिया, अब हम आपको बताते हैं कि कुंतल कृष्ण ने क्या कहा है। 2025 में राष्ट्रीय जनता दल का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ये बातें कुंतल कृष्ण ने कही है। आपको याद होगा कि 2022 में भी ऐसी ही बात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही थी, और नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन कुंतल कृष्ण ने जो बात कही है और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही है, वो आप खुद सुन लीजिए। उपचुनाव की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाला है। 3 सीटें आज राष्ट्रीय जनता दल और उनके साथियों के पास है। अब बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल का राजनीतिक सफाया कर देना है। राजद एक डूबता जहाज है, और यह जहाज 2025 में पूरी तरीके से डूब जाएगा। बिहार को अब विकास चाहिए, विनाश नहीं। और प्रशांत किशोर तो अभी पहली बार राजनीतिक मिट्टी देख रहे हैं, पता चल जाएगा उन्हें कि दूसरों की हड्डी पे कबड्डी खेलना और खुद धूल में जाके कबड्डी खेलना कितना बड़ा अंतर होता है। बिहार को अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए, सुशासन चाहिए, और वो सिर्फ एनडीए के साथ ही संभव है। ये बिहार की जनता जानती है, मानती है, और एनडीए को अपना आशीर्वाद दे रही है। आपके सपनों को
हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के वायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816700। धन्यवाद।